Hello, my dear YouTube family. Welcome to my YouTube channel, Medico Study Point. My name is Dr. Vikas Yadav. Presently, I'm working as a doctor. So, बच्चों, NTA ने बहुत ही बड़ा चेंज किया है और आप सब लोग के लिए गुड न्यूज है. जितने भी ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो नीट 23 एग्जाम लिख रहे हैं बच्चों, NTA के द्वारा ही उनका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन के अंदर रिलीज किया गया है कि अब हर एक बच्चों को बोनस मार्क्स मिलेगा. उन्होंने चार ऐसे ऑप्शन कैटेगराइज किए हैं. इन चार ऑप्शन के अंदर अगर आप आते हो तो डेफिनेटली आपको बोनस मार्क्स मिल जाएगा. ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ऐसी रेगुलर वीडियोस आपको इस चैनल पे डॉक्टर विकास देता रहेगा. अगर हम बात करें बच्चों पहला क्या है, तो बच्चों अगर पहले नंबर पे सपोज मान लो कि एक कोई ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके आपके 1, 2, 3 और 4 दो ऑप्शन उसमें से करेक्ट है. सपोज मान लो ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट है, और आप में से कोई भी बच्चा अगर ऑप्शन 1 करके आया है तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा उसमें बोनस. इज इट क्लियर? उस सवाल में आपको नंबर, कुछ बच्चे बोलेंगे भैया हम 2 करके आए हैं, 1 की जगह 2 भी करेक्ट है तब भी आपको मिलेगा. कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने एक भी इसको छोड़ दिया और अटेम्प्ट नहीं करोगा, उनको बोनस मार्क्स नहीं मिलेगा. तो पहला जो एनटीए ने अपना क्लॉज दिया है उसके अंदर ये दिया है कि कोई भी सवाल अगर उसमें दो ऑप्शन करेक्ट है और आपने उन दोनों में से कोई भी ऑप्शन टिक किया है, चाहे ऑप्शन 1 टिक किया हो चाहे ऑप्शन 2 टिक किया हो, आप लोगों को पूरा का पूरा बोनस मार्क मिलेगा. अगर कोई बोले भैया हमने 3 या 4 टिक किया, गलत टिक किया, तो नेगेटिव हो जाएगा, फिर आपको नंबर नहीं मिलेगा. अगर स्किप कर दिया तब भी बोनस नंबर नहीं मिलेगा. रूल नंबर 1. रूल नंबर 2, एनटीए ने बोला है कि अगर किसी ऑप्शन में उन्होंने ऐसा क्वेश्चन दिया है जिसमें ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट हैं, तो उस ऑप्शन में अगर उस क्वेश्चन में आपने उसको अटेम्प्ट भर किया है, आप सारे बच्चों को बोनस मिलेगा. अगर कोई बच्चा बोले भैया मैंने 1 लगा दिया, किसी ने 2, किसी ने 3, किसी ने 4, कोई भी ऑप्शन टिक किया हो, चारों ऑप्शन अगर ऑप्शन में से करेक्ट है तो डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे. अब आ जाता है ऐसा कैंडिडेट जिसने उसको छोड़ दिया हो, ठीक है, जिसने एक भी अटेम्प्ट नहीं किया हो, बच्चों उसको नंबर नहीं मिलेगा, छोड़ने वाले को नंबर नहीं मिलेगा. दैट वाज द क्लॉज नंबर 2 जो एनटीए ने अपने बुलेटिन में शेयर किया है. नंबर 3 एनटीए ने बताया है कि अगर एनटीए की तरफ से कोई ऐसा सवाल होता है जो गलत है और जो एनटीए डिक्लेयर्ड करती है रॉन्ग, मुझे बताओ भाई इतने सालों से नीट का पेपर एनटीए करवा रहा है, क्या कभी एनटीए ने अपनी गलती मानी है? क्या कभी एनटीए ने बोला है कि ये सवाल हमने गलत दे दिया? कमेंट सेक्शन में बताओ. कभी नहीं बोला बच्चों, एनटीए कभी मानती नहीं है उसकी गलती, तो इसके चांसेस बहुत कम है. लेकिन हां, अगर एनटीए डिक्लेयर करती है कि नहीं ये सवाल गलत था, उस पे सारे बच्चों को बोनस मिलेगा. वो चाहे उसने अटेम्प्ट किया हो, चाहे नहीं किया हो, चाहे 1 लगाया हो, चाहे 2 लगाया हो, चाहे 4 लगाया हो, स्किप कर दिया हो, कुछ भी किया हो, अगर आपने एनटीए ने डिक्लेयर किया दिस इज अ रॉन्ग क्वेश्चन, हर एक स्टूडेंट को आपको 4 नंबर मिल जाएंगे. इज इट क्लियर? दैट मींस दैट विल बी अ बोनस फॉर एवरीबॉडी, अगर एनटीए डिक्लेयर करता है कि ये रॉन्ग क्वेश्चन है तो. ठीक है, That was clause number 3. And the last clause, जो clause number 4 में NTA ने bonus marks से related बोला है, वो उन्होंने बोला है कि अगर आप section, आपको पता है बच्चों आपका paper section A और section B में आता है, ठीक है, इज इट क्लियर, सेक्शन ए के अंदर आपके 35 क्वेश्चन आते हैं और सेक्शन बी के अंदर आपके 15 क्वेश्चन आते हैं, जिनमें से केवल आपको 10 अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है, टोटल 45 हो जाएंगे. तो ये जो आपका सेक्शन बी वाला पोर्शन है बच्चों, सेक्शन बी वाले पोर्शन के अंदर जो 15 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, अब ये 15 क्वेश्चन में से मान लो कि भाई 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ऐसे करके आपके 15 है, अगर आपने इनमें से शुरू के 10 सवाल पहले किए हैं, तो जो आप स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन करोगे वही आपके चेक होने हैं. अब किसी बच्चे ने क्या किया भैया कि आपके इसके 7-8 क्वेश्चन इधर कर लिए और 2 क्वेश्चन या पीछे के कर दिए, और बोनस था सपोज मान लो 7th क्वेश्चन, आपने उसको अटेम्प्ट ही नहीं किया, तो आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा. फिर आप ये मत बोलना भैया वो तो सवाल ही हम लोगों ने गलत था, ये एनटीए से गलत आ गया, या उसमें दो आंसर सही थे या ये था, उसमें आपको नहीं मिलेगा. आपने जो 10 सवाल अटेम्प्ट किए हैं, जो 10 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, अगर उनमें से किसी में भी ये 3 ऑप्शन वाले मिल रहे होंगे बोनस, तो ही आप एलिजिबल हो उस बोनस के लिए. वरना अगर आपने वो स्किप किया है और आपने केवल जो 10 सवाल किए बस उन्हीं 10 सवाल के चेक होकर आपको नंबर मिलेंगे, ठीक है. तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है ऑप्शन नंबर 4, इसको ध्यान में रखना, ठीक है. तो जो भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करते हो उनको देख लेना, ठीक है. इज इट क्लियर? तो जो 10 क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उन्हीं के बेसिस पे बोनस मिलेगा. तो आई होप सो दीस आर द वेरी वेरी गुड न्यूज, इंपॉर्टेंट चेंज किया एनटीए ने, ठीक है. और ये चारों पॉइंट्स आपको समझ में भी आ गए होंगे, ठीक है. आजकल मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ब्लैकबोर्ड पे समझा के वीडियोस बनाऊं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यू नो ऐसे सिर्फ मैं बोलता था तो समझ में नहीं आता. यू लाइकिंग दिस चेंज? क्या ये आपको चेंज अच्छा लग रहा है? तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ. प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो, ठीक है. और जिन बच्चों को डाउट है तो आप लोग मेरे से डायरेक्टली टेलीग्राम पे बात कर सकते हो. मैंने ओपन कर रखा है पूरा टेलीग्राम चैनल. नाम है टेलीग्राम चैनल का डॉक्टर विकास यादव, ठीक है, डॉक्टर VIKASHYADV. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगा. और जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं है तो आप लोग मुझे यू नो इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो. इंस्टाग्राम हैंडल है मेरा,
VIKASYADAB0876, ठीक है, ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, तो आप लोग इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, ठीक है, और ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, तो प्लीज पहले फॉलो कर लेना बच्चों। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो पहली बार आए हो तो, और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर करिए, लाइक करिए। मैं आपको अगली वीडियो में मिलता हूँ, टिल देन टेक केयर, कीप हसलिंग, कीप रॉकिंग गाइस।